भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम समझाएं, उससे पहले आप समझ लीजिए कि एक कंसेप्ट आता है स्केर्सिटी का, यानी कि इकोनॉमिक्स की जो मूल है, जो जो बेस है, वो स्केर्सिटी ही है। तो स्केर्सिटी क्या होता है बच्चों? हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, और वांट्स अनलिमिटेड के साथ साथ हमारी जो वांट्स हैं वो लगातार बदलती भी रहती हैं। आप एक वांट्स को पूरा कर सकते हो, लेकिन सारी वांट्स को तो पूरा नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर आपकी एक वांट्स पूरी हो जाए, लेकिन जैसे ही आपकी एक वांट्स पूरी होती है, सडनली आप देखोगे कि आप नई वांट्स पूरी हो गई। अब इसी उसमें गांधी जी ने एक बार ये भी कहा था कि इच्छाओं की तो पूर्ति हो सकती है, पर ग्रीड की पूर्ति नहीं हो सकती है, यानी कि आपके लालच की पूर्ति नहीं की जा सकती। तो कई बार हमारी जो डिमांड है, यानी कि जो हमारी विलिंगनेस है, वो कई बार ग्रीड में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि एक इच्छा की अगर पूर्ति हो भी जाए तो कभी दूसरी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती है। दूसरा, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, यानी कि हमारे पास जो उन वांट्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड हैं। अब देखिए, कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, चाहे सोशलिस्ट इकोनॉमी हो, हर इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड ही हैं। अब भारत की अगर हम बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि भारत के पास कोई अनलिमिटेड रिसोर्सेज हों। अब सारा का सारा पैसा अगर हम रोड बनाने पर खर्च कर देंगे तो एजुकेशन के लिए पैसा कहाँ से आएगा, हेल्थ के लिए पैसा कहाँ से आएगा। यानी कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और वांट्स अनलिमिटेड हैं, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, एलोकेशन करना पड़ता है। और रिसोर्सेज लिमिटेड होने के साथ साथ अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज भी पॉसिबल है, यानी कि लैंड का प्रयोग आप खेती के लिए भी कर सकते हो, बिल्डिंग बनाने के लिए भी कर सकते हो, रहने के लिए भी कर सकते हो, इसके अलावा आप वहां पे मैदान भी, प्लेग्राउंड भी बना सकते हो। यानी कि एक रिसोर्सेज जो है वो उसका यूज आप अनलिमिटेड, या आप अनलिमिटेड तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कई सारे अल्टरनेटिव यूज कर सकते हो। तो इसी की वजह से इकोनॉमिक एक प्रॉब्लम पैदा होती है, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस पैदा होती है। तो स्केर्सिटी का क्या मतलब है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि स्केर्सिटी इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी कि जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रही है पैदा, उन सब के पीछे जो रूट है वो क्या है, स्केर्सिटी है। यानी कि स्केर्सिटी का क्या मतलब हुआ कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में हम सभी वांट्स की को पूरा नहीं कर सकते, इसीलिए हमें चूज करना पड़ेगा कि कौन सी रिसोर्सेज का यूज किया जाए और कौन से रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज, या कौन सी वांट्स को हम सेक्रीफाइस कर दें। तो बच्चों, वांट्स अनलिमिटेड है हमने आपसे डिस्कस कर लिया, अनलिमिटेड लिमिटेड रिसोर्सेज है ये भी हमने आपसे डिस्कस कर लिया, अल्टरनेटिव यूज है। बच्चों, अल्टरनेटिव यूज का मतलब है कि एक रिसोर्स को आप कई सारे कामों में लगा सकते हो, इसीलिए तो चॉइस करोगे। अगर मान लीजिए आप चॉइस नहीं कर सकते, मान लीजिए ये टीवी है, अब इस टीवी का प्रयोग मैं मूवी देखने के लिए भी कर सकता हूँ, पढ़ाने के लिए भी कर सकता हूँ, अल्टरनेटिव यूजेज हैं। अगर मान लीजिए सिंपल व्हाइट बोर्ड होता, केवल लिखने के काम आता, यानी कि आपके पास चॉइस की प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि रिसोर्सेज का यूज अब एक से ज्यादा वांट्स को सेटिस्फाइड करने में कर सकते हो। तो बच्चों, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम पैदा होती है उसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम या सेंट्रल प्रॉब्लम के नाम से भी जानते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति की प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, और जब वो पूरे देश की होती है तो सेंट्रल प्रॉब्लम कहलाती है। अब मूल रूप से तीन तरीके की सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। अगर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस के अलावा ग्रोथ की भी समस्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट का भी एक समस्या मानी जाती है, और इग्नो की किताब का हमने रेफरेंस लेंगे तो उसमें हमने देखते कि नई तरीके की समस्या बता दी गई है। हालांकि आप इसको छोड़ भी सकते हो, जरूरी नहीं है ये करना, हालांकि मैं करवा रहा हूँ बच्चों को। वहाँ पे पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स की चॉइस की भी समस्या बता दी गई है, और साथ ही साथ मैरिड गुड्स कितनी बनेगी वो भी समस्या बता दी गई है। तो मैं रेफरेंस के लिए आपको बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूज़फुल नहीं है तो आप मत यूज़ कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि आपके यूज़फुल है तो आप पढ़ लीजिएगा उसको। तो मैं आपको तीन जो बेसिक प्रॉब्लम है वो बताने वाला हूँ बच्चों। सबसे पहले उसमें सबसे पहले है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है, देखिए इसका मतलब भी क्या है पहले हम समझ लेते हैं। व्हाट का मतलब होता है क्या प्रोड्यूस किया जाए, व्हाट क्या क्या, तो क्या का मतलब क्या है, इसके अंदर दो एस्पेक्ट आएंगे। सबसे पहला, कौन सी वस्तु बनाई जाए, कौन सी गुड्स बनाई जाए, यानी कि व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस, और दूसरा हमारी कितनी क्वांटिटी बनाई जाए। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास 100 रिसोर्सेज हैं, अब 100 यूनिट आप लेबर बोल देते हैं, हम सिंपल मानने के लिए हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास लेबर ही है। अब लेबर का प्रयोग आप कितने कामों में कर सकते हो, आप वीट भी बना सकते हो, राइस भी बना सकते हो, हम दो ही गुड्स मान के चल रहे हैं, मान लीजिए हम वीट और राइस है। तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में वीट बनाओगे तो राइस कम बनेगा भाई। अगर मान लीजिए आपके पास फैमिली में, मान लीजिए फैमिली मेंबर आ गए, रिश्तेदार आ गए, मामा आ गए,
या बुआ आ गई, तो आपके मम्मी के पास में या आपकी मदर के पास में जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, और उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज में उनको चॉइस करना पड़ेगा कि क्या बनाया जाए। और एक बार ये डिसाइड हो जाएगा कि क्या बनाया जाए, मान लीजिए पनीर की सब्जी बनाने का फैसला ले लिया, और लेकिन कितना पनीर बनाया जाए, कितने चावल बनाए जाए, ऐसा तो आप नहीं कर सकते कि आप अनलिमिटेड मात्रा में चावल बना लो या अनलिमिटेड मात्रा में सब्जी बना लो। भाई लिमिट तो होती है, आपके पास रिसोर्सेज कम है, आपकी जरूरतों को पूरा कर पाए इस तरीके का आपको प्रोविजन करना पड़ेगा, यानी कि व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस एंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ दिस प्रोड्यूस। तो बच्चों सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है हमारी, इसे बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की ये पहली समस्या है, यानी कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड ये पहली समस्या होती है जिसको हम बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। इसके अंदर हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जाए, यानी कि कैपिटल गुड्स कितनी बनाई जाए, कंज्यूमर गुड्स कितनी बनाई जाए, इसी तरीके से वॉर गुड्स कितनी बनाई जाए या नॉर्मल गुड्स कितनी बनाई जाए। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सिलेक्शन करना पड़ता है उन गुड्स का, उन सर्विसेज का जिसको एक इकोनॉमी बनाने में, पैदा करने में इंटरेस्ट दिखाती है। एक बार मान लीजिए इकोनॉमी डिसाइड कर लेती है कि क्या बनाया जाए, उसके बाद ये डिसाइड करना पड़ता है हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी प्रोड्यूस। यानी कि एक बार इकोनॉमी ये डिसाइड कर लिया कि क्या बनाया जाए, एक बार मदर ने डिसाइड कर लिया कि कौन सी सब्जी बनाई जाए, उसके बाद ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि कितनी क्वांटिटी बनाई जाए, क्योंकि आप अनलिमिटेड क्वांटिटी में तो सामान बना नहीं सकते। ऐसा तो नहीं हो सकता ना बच्चों कि आप जितना चाहे सामान बना दो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए जब आप एक बार ये डिसाइड कर लोगे कि कौन सी गुड्स बनाई जाएगी, उसके बाद आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि जिस गुड्स को आप बना रहे हो, जिस सर्विस को आप बना रहे हो, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेज में हम जितना चाहे सामान नहीं बना सकते। इसीलिए सबसे पहली समस्या जो आ रही है हमारे सामने वो आ रही है व्हाट टू प्रोड्यूस। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, यानी कि इकोनॉमी के पास में बहुत सारी गुड्स की डिमांड है, बहुत सारी गुड्स की जरूरत है, सारी गुड्स वो नहीं बना सकती, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। इसीलिए इकोनॉमी को सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट गुड्स are to be produced and how much quantity of these goods are to be produced। तो पहली समस्या मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी, जिसको हम बोलते हैं what to produce। तो बच्चों अब हम बात करते हैं second problem की, जिसको हम बोलते हैं how to produce। देखिए how to produce ये भी हमारी एक तरीके की problem of choice है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की सेकंड प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का रिलेशन होता है टेक्नोलॉजी के चूज करने से। देखिए भारत के पास लेबर अमेंडमेंट है, लेबर 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 लेबर, जिधर देखोगे आपको लोगों की भीड़ नजर आएगी। ऐसे देश में जहां पर लेबर ज्यादा हो, डेफिनेटली वहां पर लेबर सस्ता भी होगा। तो देश एक ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाने की कोशिश करेगा जहां पर लेबर ज्यादा हो, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या लेबर कॉस्ट एफिशिएंट है, क्योंकि हमें केवल यही नहीं देखना कि लेबर का यूज होगा कि नहीं होगा, हमें कॉस्ट एफिशिएंसी भी देखनी है। इसीलिए एक इकोनॉमी के सामने ये समस्या आती है कि क्या वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करे या कैपिटल इंटेंसिव का टेक्निक यूज करे, यानी कि सबसे बड़ी समस्या आती है कॉस्ट एफिशिएंसी रखने की। अब मान लीजिए अगर आपको कोई रोड बनाना है तो आपको क्रेन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बुलडोजर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, जो रोड को प्लेन करता है उसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एक आदमी, एक ह्यूमन बीइंग ये काम कैसे कर सकता है? इसका मतलब ये हुआ कि हमें कैपिटल और लेबर दोनों ही चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, लेकिन इकोनॉमी के सामने हमेशा ये चॉइस होती है कि वो ज़्यादा लेबर और कम कैपिटल का यूज़ करे या कम कैपिटल और ज़्यादा लेबर का यूज़ करे। यानी कि किसी भी देश के सामने सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि वो किस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज़ करे, लेबर अमेंडमेंट टेक्नोलॉजी यूज़ करे या कैपिटल अमेंडमेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करे। यानी कि वो कपड़े को बनाने के लिए मशीन का यूज करे या हाथ से कपड़े बनाए, यानी कि एक इकोनॉमी के सामने लेबर कैपिटल टेक्नोलॉजी का, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी या कैपिटल इंसेंटिव टेक्नोलॉजी के चुनाव की समस्या आती है। बच्चों कोई भी देश ऐसा नहीं हो सकता जिसमें लेबर और कैपिटल के बिना काम हो जाए, दोनों की जरूरत होती है, लेकिन ये डिसाइड करने का काम इकोनॉमी को करना पड़ता है। अब देखिए हम सॉल्यूशन नहीं कर रहे, हम सॉल्यूशन नहीं कर रहे, जैसे कैपिटल इकोनॉमिक्स में अलग तरीके का सॉल्यूशन होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में अलग तरीके का सॉल्यूशन होता है, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। यहां पर हम आपको समस्या के बारे में बता रहे हैं, यानी कि एक इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज वो करे। जैसे इंडिया जो है वो कोशिश ये करता है कि लेबर इंसेंटिव टेक्नोलॉजी का यूज हो, हालांकि हर सेक्टर में ये यूज नहीं हो सकता, क्योंकि कई जगह आपको कैपिटल का यूज ज्यादा ही करना पड़ेगा। तो बच्चों तीसरी समस्या के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, फॉर होम टू प्रोड्यूस। देखिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है,
क्योंकि अल्टीमेटली आपको गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना है। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए तो। देखिए एक मिनट बस बच्चों, हाँ चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, बहुत ही सिंपल सी तरीके से समझाता हूं, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं मैं, और मैंने क्या किया, कुछ बच्चों ने हमारा कोर्स बाय किया, मान लीजिए मेरी इनकम हो गई 100 रुपीज। क्वेश्चन ये है कि क्या ये 1000 रुपीज क्या सारे के सारे मेरे हैं? तो मैं आपको बता देता हूं ऐसा नहीं होता। इसके अंदर सबसे पहले तो रेंट जाता है, ठीक है, यानी कि अगर आपने कहीं से मकान लिया हुआ है तो आपको रेंट देना पड़ेगा। अगर आपने मान लीजिए बैंक से पैसा लिया हुआ है ये सारा सेटअप बिठाने के लिए तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कुछ मान लीजिए लेबर भी काम करेगा तो उसको वेज देना पड़ेगा। और इसका मतलब ये हुआ कि आपको कुछ हिस्सा प्रॉफिट के रूप में आप भी रख सकते हो। तो क्वेश्चन ये उठता है कि एक इकोनॉमी किसके लिए प्रोडक्शन करेगी? देखिए बात समझने की कोशिश कीजिएगा, 1000 रुपीज में का बंटवारा होगा, बराबर बराबर बंटवारा नहीं होता बेटा, डिपेंड करता है कि किसने प्रोडक्शन में ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। इसीलिए अगर कोई दुकान कॉर्नर पर है तो उसको रेंट ज्यादा होगा, क्योंकि जब प्रोडक्शन होगा, जब इनकम होगी तो कोने की दुकान होने की वजह से उसकी इनकम बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे मेरे केस में कोने की दुकान की जरूरत नहीं है, हम अगर छोटे से कमरे में किसी भी जगह से वीडियो बनाएं तो आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी, हालांकि हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। इसका मतलब हमारे केस में रेंट जो है वो काफ़ी कम जाएगा, यानी कि मान लीजिए रेंट जो गया वो मात्र 10 रुपये गया या 100 रुपये गया। अब इंटरेस्ट की बात करें, अब देखिए बहुत बड़ा तो हम सेटअप हमारा है नहीं, लेकिन हम फिर भी ये मान लेते हैं कि बैंक से हमने 10 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है, तो इस केस में हमें जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो मान लीजिए 50 रुपए देना पड़ेगा हर महीने का। इसी तरीके से मान लीजिए वेज देना पड़ेगा 200 रुपए का, और बचे हुए लगभग लगभग मान लीजिए 750 रुपए मेरे पास आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि एक इकोनॉमी जब प्रोडक्शन करेगी तो इस बात को ध्यान में रखकर करेगी कि प्रॉफिट कमाने वाला व्यक्ति कौन है, किस तरीके का उसका नेचर है, किस तरीके का उसका बिहेवियर है, किस तरीके का वो रखता है। कहने का सिंपल मतलब ये हुआ कि एक इकोनॉमी में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टरों के बीच किस तरीके से है उस पर डिसाइड करता है किसके लिए प्रोडक्शन किया जाएगा। अब आप देखिएगा, आपको एक ऐसी किसी कॉलोनी की कल्पना कीजिए जहां पर बहुत ही मतलब आप कह सकते हो लोअर इनकम का ग्रुप रहता है, तो वहाँ पे कार कंपनी का शोरूम तो होगा नहीं क्योंकि खरीदने वाले नहीं है। कार कंपनी का शोरूम वहाँ होगा जहाँ पर हाई लेवल के लोग रहते हैं, जिनकी इनकम का लेवल हाई है, या अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट वहीं खुलेंगे जहाँ पर हाई इनकम के लोग जाते हैं। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति इसी अपना प्रोडक्शन किसके लिए करेगा, वो मार्केट में किस जगह को प्लेस करेगा, उसका प्राइसिंग क्या होगा, वो इसी बात को ध्यान में रखकर करता है किसके लिए प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो बच्चों टॉपिक पे हम अपने वापस आ जाते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से बच्चों समझ में आ भी रही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि कितनी इनकम जो है वो कैपिटल को दे दी जाए, लैंड को दे दी जाए, वेज को दे दी जाए, सॉरी लेबर को दे दी जाए, लैंड को दे दी जाए, और कैपिटल को दे दी जाए, और एंटरप्राइजेस को दे दी जाए, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में ये डिसाइड करता है। तो जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा उसकी परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी, और जिसकी परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी इकोनॉमी उसी के लिए प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगी। तो बच्चों यहाँ पे हम बात ये भी करेंगे कि दो तरीके की बातें हम करते हैं, तो होता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब हुआ कि व्यक्तियों के बीच कितना पैसा बांटा जाए, राम मोहन श्याम, ठीक है, ये लोगों के नाम रख दिए, उनके बीच कितना पैसा बांटा जाए। और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को कितना कितना पैसा दिया जाए, दोनों में से कोई एक का यूज़ करते हैं, ठीक है जी, या तो विष्णु गुप्ता बोल दो या एंटरप्राइजेस बोल दो, आप जो मर्जी बोल सकते हो। इस तरीके से बच्चों डिवाइड होता है। इसके अलावा बच्चों एक और इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, हालांकि बेसिकली तीन इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हुम टू प्रोड्यूस। इसके अलावा बच्चों और एक प्रॉब्लम के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं जिसको हम बोलते हैं द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ। देखिए इसके लिए भी चलिए मैं आपको वहीं समझा देता हूं। देखिए प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ, एक मिनट, हाँ यहां समझाते हैं। देखिए बच्चों ग्रोथ ये होती है, ग्रोथ मैं एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर बना रहा हूं, ग्रोथ ये मान लीजिए ग्रोथ हो, इस तरीके की चीजों को ग्रोथ बोलते हैं,
ये हमारी ग्रोथ है, ग्रोथ ग्रोथ है ये। अब ये ग्रोथ को अचीव करना हर किसी इकोनॉमी का टारगेट होता है, क्योंकि अगर कोई भी इकोनॉमी ग्रोथ को अचीव नहीं करती है तो वो इकोनॉमी के पास एक तरीके का स्टैटिक आ जाएगा। ग्रोथ का मतलब होता है प्रोडक्शन कैपेसिटी का बढ़ना, यानी कि किसी भी इकोनॉमी के सामने इस तरीके की प्रॉब्लम आती है कि वो अपनी इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको किस तरीके से बढ़ा पाती है। तो ये आप याद रखिएगा बच्चों। इसके अलावा फुल एम्प्लॉयमेंट की भी एक प्रॉब्लम है, हालांकि मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। वो है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप बोल सकते हो बच्चों कि फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी एक सेंट्रल प्रॉब्लम है, जिसमें एक इकोनॉमी को ये देखना पड़ता है कि क्या उसके रिसोर्सेज का यूज किस तरीके से फुल हो। क्योंकि अगर किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन जो भी फैक्टर है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, कोई भी हो, अगर उसका यूज प्रॉपर नहीं होता तो किसी भी इकोनॉमी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो घट जाती है, और कोई भी इकोनॉमी नहीं चाहेगी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को घटाना। यानी कि बेटा ये बच्चों ये बात आपको याद रखनी है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना ही किसी भी इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव होता है। अगला जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स के बारे में। देखिए पब्लिक गुड्स क्या होती है, प्राइवेट गुड्स क्या होती है, अगर आप पब्लिक फाइनेंस मुझसे पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ पब्लिक गुड्स क्या होती है। पब्लिक गुड्स वो होती है जिसके अंदर दो फीचर होते हैं, एक्सक्लूडेबिलिटी का और एक्सक्लूजन एंड राइवल का। ये प्राइवेट गुड्स होती है। सॉरी, इसका मतलब ये हुआ कि जो पेमेंट नहीं करेगा, एक्सक्लूडेबिलिटी का मतलब है कि जो पेमेंट नहीं करेगा उसको कंजम्पशन करने से हटा दिया जा सकता है, और राइवल का मतलब है, फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में हम बता देंगे बच्चों आप बच्चों को आगे फर्दर। और राइवल का मतलब होता है कि अगर आप कंजम्पशन करते हो तो आपके लिए, तो दूसरे के लिए उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मोबाइल फ़ोन अगर मेरे पास है तो दूसरे के पास वो मोबाइल फ़ोन नहीं हो सकता। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन का यूज़ केवल वही कर सकता है जो उसके लिए पेमेंट करे। पब्लिक गुड्स वो होती है बच्चों जो नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल होती है, जैसे पार्क है, रोड है, डिफेंस है। तो एक इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि कितनी मात्रा में पब्लिक गुड्स और कितनी मात्रा में प्राइवेट गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए। अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए, हालांकि अगर आप वो चाहोगे तो एक पूरा का पूरा चैप्टर ही है पब्लिक गुड्स के ऊपर, उसमें हम बहुत डिटेल में डायग्राम वगैरह बना के आपको समझाएंगे। तो ये मैंने आपको हल्का सा बता दिया, जिससे कि आपको अगर पॉइंट लिखना हो तो लिख दीजिएगा, नहीं तो आप स्किप करके भी इसको छोड़ सकते हो। इसके अलावा द प्रॉब्लम ऑफ मेरिट गुड्स। देखिए मेरिट गुड्स क्या होती है, मेरिट गुड्स आर सोशली डिजायरेबल गुड्स। स्कूल है, हॉस्पिटल है, रोड है, सॉरी रोड नहीं, स्कूल है, हॉस्पिटल है, इवन वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम इंडिया में हुआ था वो भी एक तरीके की मेरिट गुड्स है। मेरिट गुड्स वो होती है जिसको जो सोशली डिजायरेबल होती है, जिसकी इकोनॉमी को जरूरत होती है, जिसको प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट पैसे खर्च करती है। लेकिन फिर क्वेश्चन वही उठ जाता है कि गवर्नमेंट के पास भी पैसा लिमिटेड है, गवर्नमेंट सारा का सारा पैसा अगर मेरिट गुड्स पे खर्च कर देगी तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाएगी। इसीलिए इकोनॉमी को ये भी डिसाइड करना पड़ता है कितनी मात्रा में मेरिट गुड्स की को लोगों को प्रोवाइड किया जाए। तो बच्चों ये बेसिक बातें मैंने आपको बताई, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।